तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ट्रैफिक में गाड़ी को 1 या 2 फीट कैसे आगे बढ़ाना होता है, फिर रोकना होता है। मानो आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है और आपने अपनी गाड़ी में फर्स्ट गियर लगा रखा है। अब आपको अपनी गाड़ी आगे बढ़ाना है, वापस फिर रोकना है। तो देखिए दोस्तों, गाड़ी का जो क्लच और ब्रेक होता है, ट्रैफिक में हम लोग इस तरह से दबा कर रखते हैं, ब्रेक और क्लच। गाड़ी गियर में है, अब क्या करूँगा मैं, हल्का सा दोस्तों हाफ क्लच जिसे कहते हैं, हाफ क्लच, हल्का सा मैं अपनी गाड़ी का क्लच छोड़ूंगा। जैसे ही हल्का सा मैं क्लच छोड़ूंगा, गाड़ी आगे बढ़ने के लिए जोर लगाएगी, तो उस समय ब्रेक पर से पैर हटा लेना है। जब आप ब्रेक पर से पैर हटाते हैं दोस्तों, तो आपकी अगर डीजल गाड़ी है तो आपको ज़रा सा भी एक्सीलेटर नहीं देना है, गाड़ी आगे आराम से बढ़ेगी। अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है, समझो नहीं बढ़ रही है, तो दोस्तों आपको हल्का सा एक्सीलेटर देना होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको बिना एक्सीलेटर दिए कैसे आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना है। हाफ क्लच, जैसे ही आप हाफ क्लच पे आते हैं, गाड़ी आगे की तरफ झटका देगा दोस्तों बढ़ने के लिए, तो आपको ब्रेक पर से पैर हटा लेना है, थोड़ा सा और क्लच को छोड़ना है, गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी, फिर वापस क्लच दबा के ब्रेक दबा देना है, गाड़ी आपकी रुक जाएगी। इस तरह से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना होता है और रोकना होता है। मानो आपका गाड़ी दोस्तों पेट्रोल का है और ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, 2-3 लोग, तो आपकी गाड़ी आगे शायद न बढ़े, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी अगर नए ड्राइवर कोई चलाते हैं तो उनको चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जजमेंट बराबर नहीं मिलता है और गाड़ी बंद हो जाता है। डीजल की गाड़ी बंद नहीं होती है, लेकिन पेट्रोल का बंद हो जाता है। तो आपको हल्का सा, जैसे ही आप क्लच को छोड़ते हैं और आपकी गाड़ी झटके दे आगे बढ़ने के लिए, तो आपको दोस्तों हल्का सा एक्सीलेटर भी दे देना है। जब आप हल्का सा रेस देते हैं गाड़ी में, तो उस समय आपको हल्का सा क्लच छोड़ना है और इस तरह से आगे बढ़ाना है, फिर क्लच और ब्रेक ले लेना है। दोस्तों ट्रैफिक में इसी तरह से गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है और रोका जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।